अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 11वीं में कला एवं वाणिज्य, कला एवं वाणिज्य ये दोनों के लिए है। इसके अंतर्गत हम परिक्षेपण के माप या विक्षेपण या अपकिरण या विचलनता, ये मतलब जो परिक्षेपण है उसको ये कहा जाता है। इसको ये हम क्या करेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे, जिसमें विस्तार पढ़ेंगे, चतुर्थक विचलन पढ़ेंगे, मध्य विचलन पढ़ेंगे और मानक विचलन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विस्तार। विस्तार क्या है? विस्तार या रेंज, जो कि दो शब्दों के मतलब सबसे बड़े पदमूल और सबसे छोटे पदमूल का जो अंतर होता है उसको हम विस्तार कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम श्रेणी के अधिकतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं और न्यूनतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, R बराबर L माइनस S लिखते हैं। तो R क्या है, विस्तार है, L जो है सबसे बड़ा पदमूल है, S जो है सबसे छोटा पदमूल है। अब जिसमें हम इसके विस्तार गुणांक भी इसी के उससे निकालेंगे, तो उसमें जो है अपकिरण के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विस्तार का सापेक्ष माप ज्ञात करना आवश्यक होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, विस्तार के सापेक्ष माप को ही विस्तार गुणांक कहा जाता है। इसे विस्तार गुणांक की विशेषता यह होती है, यह मूल्य हमेशा एक या एक से कम होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस मूल्य हमेशा क्या होता है, एक या एक से कम होता है, मतलब 0 पॉइंट करके उसका आंसर आएगा। इसका सूत्र क्या है, ये है, इसका सूत्र क्या है, एल माइनस एस बटे एल प्लस एस, ये जो है विस्तार गुणांक का सूत्र है। अब इस सूत्र को हम कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे। यहाँ हमने एक कक्षा के 11 छात्रों का वजन हमने निम्न प्रकार लिखा हुआ है, जिसमें 48, 40, 52, 61, 45, 58, 56, 60 और 46, 50, 52 ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम सबसे देखेंगे L का मतलब क्या था, सबसे जो है लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, बड़ा क्या था वो उसको देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर हम उसको देखेंगे, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास है 61 है ना, तो ये हो गया 61। और सबसे छोटी संख्या जो है वह क्या है, 40। यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या ये है, तो छोटी संख्या हमारे पास है 40। ये किस में आ गया, ये सूत्र के अंतर्गत ये आ गया। जब हम इसको घटाएंगे हमारा जो R क्या मिल जाएगा हमको, R जो है ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, R, R मतलब जो हमें विस्तार मिला है ये विस्तार कहलाएगा। ये क्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। उसी प्रकार से हम गुणांक ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, L जो है 61 है और ये 40 हो गया। यहाँ पर 61 मतलब एक बार हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार उसको घटाएंगे, तो जो संख्या हमारी जो आएगी वो 21 बटे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 101 आया। जब हम 101 से जब उसे भाग देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमने उसमें बताया गुणांक में क्या होता है, या तो एक आता है या फिर उससे कम आता है, इसका हो जाएगा 0.207, मतलब ये आप लोग देख रहे हैं कि या फिर एक आएगा या एक से कम आएगा, गुणांक हमेशा एक या एक से कम आता है। अब दूसरे बार हम बताएंगे कि किस तरह से एक आएगा, यहाँ पर भी हम देखेंगे सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर ये है 50 और सबसे छोटी क्या है, ये 0, हमने ये 0 लिखा। जब इसको हम घटाए तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 50 में से जब हमने शून्य घटाया तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 50 ही प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हो गया, R, मतलब अंतर जो है वह 50 ही आए। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 है, इससे हमने शून्य घटाएंगे, यहाँ पर 50 में हम छोटी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बटे 50 आया, इसका उत्तर हमको क्या मिलेगा, 1। जिस तरह से आपको बताया था कि जो गुणांक है वह क्या होता है, एक या एक से कम में हमें प्राप्त होता है, ये आप लोग को अंतर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 0.0 करके आया हुआ है, यहाँ पर ये संख्या जो है सीधी हमें प्राप्त हो गई। इसमें आप लोग को समझ में आ रहा होगा रेंज का मतलब क्या है, अंतर, अंतर हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे,
अंतर याद हो जाए। उसी तरह से ये दूसरा भी है, इसमें आप देख रहे हैं एक मिला है और इसमें ये हमें प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हम चतुर्थक देखेंगे जो क्वार्टरलाइज जो है आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे बिंदु होते हैं जो आंकड़ों को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चतुर्थक से ही समझ में आ रहा है कि चार, तो इस तरह से क्या कर रहा है, आंकड़ों को चार बराबर भागों में वह विभाजित करता है और इस तरह से आवृत्तियों की संख्या समान रहे, इसके लिए हम चतुर्थक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के लिए ये सूत्र दिए हुए हैं। Q1 निकालेंगे तो n प्लस वन बटे चौथा पद, और Q2 निकालेंगे तो इस तरह से दो भाग करेंगे, तीन भाग करेंगे, ये सारे सूत्र जो हैं वह हमें यूज होंगे। उसी तरह से सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी, तो इसमें क्या है, इसके सूत्र कैसे होंगे, क्यू बराबर एन बटे दो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, वन प्लस है और यहाँ पर प्लस नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है। ये आप लोगों को सूत्र याद रखने होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे चतुर्थक कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, ये हम आपको दिखाएंगे कि चतुर्थक कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये संख्या दी हुई है, ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें 7, 32, मतलब ये अव्यवस्थित ढंग से है। हम इसको सबसे पहले हमने क्या किया, आरोही क्रम में जमा लिया, बढ़ते क्रम में हमने जमा लिया, जिसमें कि ये कितने अंक हैं, टोटल जो है वह 15 अंक हैं। ये 15 को हमने क्या किया, क्रम दे दिया और उसके साथ साथ इस तरह से ये हम संख्याओं को हमने जमा लिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अंक दिए हुए हमारे पास, सबसे पहले Q1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी टोटल संख्या कितनी बताए हमने, 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 धन 1 बटे 4, फिर यहाँ हो जाएगा 16 बटे 4, जब ये कटा ये आ गया हमारे पास 4 आया, तो चौथा पद कहाँ है, चौथा पद कहाँ है हमारे पास, ये है, ये चौथा और ये, इसका मान हमें क्या मिल गया, 12, ये हमारा क्या हो गया, क्वार्टरलाइज निकल आया। उसी तरह से इसमें है, जब ये दिया हुआ है तो ये हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, यहाँ पर ये 15 धन 1 बटे 4, जब इसको हम करेंगे तो 2 गुना 16 बटे 4, तो ये हो गया, ये हो गया, इसको जब हम काटेंगे तो 4 8 32, तो हमको यहाँ पर मिल गया आठवां पद। अब यहाँ पर देखेंगे आठवां कहाँ है, आठवां ये है, इसका उत्तर हो जाएगा 25, हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांक जो है वह हमें ये 25 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखेंगे जब क्वार्टरली तृतीयक जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें भी वही है, 3 वो करेंगे, फिर 15 धन 1 बटे 4, यहाँ पर भी होएगा 3 गुना 16 बटे 4, और उसके बाद जब हम इसका भी गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, ये हमारा क्या 48 बटे 4, जब 48 को हमने काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या हुआ, 12 मिला। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12वां पद का मान क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 कहाँ पर है, ये है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, 35 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा मतलब ये जो चतुर्थांक हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरह से ज्ञात करेंगे, ये चार जो है, जिस तरह से हम माध्यिका निकालते थे या माध्य निकालते थे, माध्यिका में आपने देखा होगा कि एन बटे दो आता था, वैसे बीच का मूल आता था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इससे को चार भागों बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 का भाग दे रहे हैं और यहाँ पर एन प्लस वन आ रहा है। ये आप एक बार और देख लीजिए, जैसे जब हम Q1 निकाला था हमने क्या किया, n प्लस 1 बटे 4 किया, तो ये हमने जो 15 थे, ये टोटल हमारा n जो है, ये 15 जो है ये हमने क्या किया, n प्लस 1 बटे 4 किया, जब टोटल किया तो 16 बटे 4, फिर चौथा पद उसका मान क्या था, ये 12। उसी तरह से इसमें करेंगे, इसमें 2 का गुणा किया, 15 धन 1, जब गुणा किया तो 32 आया, 32 बटे 4 आया, इसका आ गया आठवां पद, आठवां ये है और ये है, इसका मूल हमें क्या मिल गया, ये 25 प्राप्त हो गया। उसी तरह से क्वार्टरली इसका किया,
इसमें भी 12वां पद आया, 12वां पद में जो है ये 35 का मूल आ गया। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।